Well, good morning everyone. In today's video, we will try to understand the process of what do we call it, credit creation, process of credit creation in case of multiple bank accounts. यानी कि आज जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इकोनॉमी में मल्टीपल बैंक्स हैं, जो कि रियलिटी में होते हैं, एक से ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स होते हैं, तो अगर इकोनॉमी में मल्टीपल बैंक्स हैं, मल्टीपल कमर्शियल बैंक्स हैं, तो उस केस में क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कैसे फंक्शन करता है या उसका मैकेनिज़म क्या होता है। तो जो लोग इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इससे पहले जो हमने क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस सिंगल बैंक इकोनॉमी में समझा था, वो पहले उसको देखें, उसके बाद अगर इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा ये प्रोसेस। हालांकि मैं इसमें भी क्लैरिफिकेशन या इसमें भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि प्रोसेस कैसे चल रहा है, बट कुछ बेसिक बातें हैं जो हमने उसमें डिस्कस की थी, हो सकता है वो यहाँ डिस्कस ना हो सकता है। तो इसलिए आप पहले अगर वो वीडियो देखेंगे जो सिंगल बैंक इकोनॉमी वाला है तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को समझने के लिए हम एजम्पशन ले लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एजम्पशन ले लेते हैं, देयर आर ओनली टू बैंक्स इन द इकोनॉमी। दो बैंक्स हैं, दो से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं, तीन चार पाँच छः, उससे प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हालांकि प्रोसेस का जो मैकेनिज़म है वो बदलने वाला नहीं है, वो यही रहेगा जो हम टू दो बैंक्स से समझेंगे। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए टू बैंक्स के एग्जांपल लिया गया है, ठीक है। दूसरी अजम्पशन सेम वही है जो हमने पहले ली थी कि ऑल ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू बैंकिंग सिस्टम। दैट मीन्स देर आर नो कैश ट्रांजेक्शन्स, देर आर नो कैश ट्रांजेक्शन इन द इकोनॉमी, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं होती है। जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी पेमेंट्स और रिसीप्ट हैं, वो सारी बैंक के थ्रू होती हैं, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होती है। तीसरा एग्जांपल हमारा यही है, एजम्पशन यही है, ऑल द इंडिविजुअल्स हैव बैंक अकाउंट्स, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बैंक की ये इससे इम्प्लाई करती है ये एजम्पशन, यानी कि क्योंकि दो बैंक हैं तो सारी ट्रांजैक्शंस उन्हीं दो बैंकों के थ्रू होगी और ट्रांजेक्शन कैश में नहीं होगी, और अगर कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है तो एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव अ बैंक अकाउंट सो दैट दे मे रिसीव द पेमेंट्स फॉर देयर वर्क एंड दे मे मेक पेमेंट्स फॉर द गुड्स और सर्विसेज और वट एवर दे वॉन्ट टू परचेज फॉर द ऑलराइट। तो हम ये मानकर चल रहे हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो जो है वो बैंक में हम 10% ही लेकर चल रहे हैं, जैसे हमने पहले अपने वीडियो में डिस्कस किया था। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि दो बैंक हैं इकोनॉमी में, एक है बैंक एक्स और दूसरा है बैंक वाई। बैंक एक्स के इस तरफ मैं लिखूंगा एसेट्स, इस तरफ मैं लिखूंगा लाइबिलिटीज, बैंक वाई में भी इस तरफ मैं लिखूंगा एसेट्स, इस तरफ मैं लिखूंगा लाइबिलिटीज। ये एसेट्स क्या होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। तो रिजर्व्स बैंक के एसेट्स होते हैं, रिजर्व्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व्स और दूसरी तरह के रिजर्व्स क्या होते हैं, एक्सेस रिजर्व्स। तो ये अमाउंट आ गए यहाँ पर, और दूसरा इधर है बैंक की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो डिपॉजिट्स होते हैं,
डिपॉजिट्स जो होते हैं वो बैंक की लायबिलिटी होती हैं, ये अमाउंट आ गया इधर। और बैंक का जो दूसरा एसेट होता है वो लोन्स कहलाता है। लोन्स कि जो भी लोन्स पे किए होते हैं बैंक ने या लेंड किया होता है जो भी अमाउंट, वो बैंक के एक तरीके का एसेट्स होता है, बिकॉज दे आर सपोज टू बी रीपेड बाय द बोरोवर्स। बोरोवर्स ने उन्हें रीपे करना, और सिर्फ लोन ही रीपे नहीं करना है, लोन पर रिजर्व्स को भी रीपे, लोन पर इंटरेस्ट को भी रीपे करना है। तो वाई बैंक के भी एसेट्स, रिक्वायर्ड रिजर्व्स और एक्सेस रिजर्व रहेंगे। रिजर्व्स और जो लोन्स हैं वो बैंक एक्स के, बैंक वाई के भी क्या रहेगी, एसेट्स रहेंगे। और इसी तरह ये इधर मैं अमाउंट लिख रहा हूँ, और इसी तरह इधर आ जाएंगे डिपॉजिट्स, और ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये शुरू में मान लेते हैं कोई इंडिविजुअल ए है, ए का अकाउंट है, कोई इंडिविजुअल ए है, ए का अकाउंट जो है वो बैंक में है, बैंक एक्स में ए का अकाउंट है, एज अकाउंट है, और ए के अकाउंट में 100 रुपीज़ डिपॉजिट है। तो बाय द प्रीवियस लॉजिक, हम जो पहले था कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो 10% है, इसलिए 10 रुपीज़ वो यहाँ रखेगा और 90 रुपीज़ एज एन एक्सेस रिजर्व्स। अब बैंक बी, बैंक वाई के पास क्या सिचुएशन है, बैंक वाई के पास कोई जेड है, जेड का अकाउंट है, जेड के अकाउंट में लेट अस अज्यूम 200 रुपीज़ पड़े हैं। तो बैंक वाई के पास ये सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन है बैंक वाई के पास, यानी कि बैंक एक्स पे कर सकता है 90 रुपीज़ तक के लोन, और बैंक वाई पे कर सकता है, लैंड कर सकता है, आई मीन टू से 180 रुपये तक के लोन, 180 रुपीज़ के लोन। बैंक एक्स कर सकता है 9-9 रुपये, 10 लोगों को लोन दे सकता है, 10-10 रुपये 9 लोगों को लोन दे रख सकता है, 20 रुपये किसी को दे सकता है, 30 किसी को दे सकता है, और 40 किसी को इस तरह से भी दे सकता है अलग अलग अमाउंट में। ऐसे ही बैंक वाई भी कर सकता है, पर फिलहाल सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सोच रहे हैं कि बैंक एक्स को एक्स लैंड करता है, बैंक वाई के पास अभी कोई लोन लेने आया नहीं है, हम ये सिंपलीफिकेशन के लिए मानकर चल रहे हैं। अदरवाइज तो ऐसा होता है रियलिटी में, एक्स बैंक से भी लोन ले रहे होते हैं लोग, वाई बैंक से भी ले रहे होते हैं, और कोई और जेड बैंक होगा उससे भी ले रहे होते हैं, कोई और तीसरा चौथा पांचवा बैंक होगा उससे भी लोन ले रहे होते हैं, तो सभी बैंकों में प्रोसेस चल रहा होता है। बट यहाँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, मैं समझने के लिए, ताकि हमें प्रोसेस सिंपली कॉम्प्लेक्स ना बने, समझने के लिए हम सिंप्लीफाइड वे में चल रहे हैं कि सपोज करते हैं कि बी को लोन चाहिए और 90 रुपीज़ का ही लोन चाहिए, तो जो रिक्वायर्ड रिजर्व है वो 9 रुपीज़ और जुड़ जाएंगे, क्योंकि 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स होता है, तो टोटल डिपॉजिट जो है 90 रुपीज़ से बढ़े हैं, इसलिए रिक्वायर्ड रिजर्व भी 9 रुपीज़ से बढ़ जाएंगे। अब जो एक्सेस रिजर्व है बैंक के पास वो 81 रुपीज़ रह जाएंगे, और बैंक इधर 20 लोन अकाउंट खोलेगा जिसमें 90 रुपीज़ शो करेगा। तो ये सिचुएशन है जब बैंक ने, बैंक एक्स ने बी को 90 रुपये का लोन लिया, लोन दिया, और बी ने अभी तक उस लोन के अमाउंट को विड्रॉ नहीं किया है। तो अब ये टोटल जो दोनों साइड का है 190 और 190 रहेगा, आप टोटल मिलाकर देख सकते हैं। अब सपोज करो, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बी है या कोई भी इंडिविजुअल है, बोरोइंग्स क्यों करता है, बिकॉज दैट इंडिविजुअल इज सपोज टू मेक पेमेंट टू समवन, उसे किसी ना किसी को पेमेंट करनी है, इसलिए वो बोरो कर रहा है। मान लो हमें गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदने के लिए हम पैसा बोरो कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो हमें वो जो कार वेंडर है जिससे हमें कार खरीदनी है उसको हमें पेमेंट करनी है, इसीलिए तो हम बोरिंग कर रहे हैं, नहीं तो बोरिंग करने की जरूरत क्या थी। तो सपोज करते हैं कि बी ने बोरो किए 90 रुपीज का लोन, बिकॉज बी सपोज टू मेक पेमेंट टू जेड। सपोज बी को जेड को पेमेंट करनी थी, तो बी को जेड को पेमेंट करनी है, तो बी के पेमेंट करने के बाद, यानी कि बी जब यहां से विड्रॉ कर लेगा और यहां पर इसको पेमेंट कर देगा, तो इन दोनों की बैलेंस शीट में कैसा चेंज आएगा, तो हम देख लेते हैं आफ्टर पेमेंट ऑफ बी, मेड बाय बी टू जेड। अब क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के थ्रू है, तो जेड को पेमेंट कर देगा, ये एसेट्स हैं, ये बैंक एक्स है, ये बैंक एक्स की बैलेंस शीट में बता रहा हूं कि बी जब पेमेंट कर चुका होगा तो किस तरह की जो उसकी बैलेंस शीट होगी नजर आएगी। तो
तो रिजर्व्स के केस में हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रिजर्व्स, रिक्वायर्ड रिजर्व हमारे हो जाएंगे 10, जो डिपॉजिट्स हैं डिपॉजिट्स में क्या होंगे, यहाँ अमाउंट आ जाएगा, डिपॉजिट्स में ए के अकाउंट में दिखाएगा 100 रुपीज़ डिपॉजिट, एक्सेस रिजर्व्स हमारे हो जाएंगे 0, यहाँ जो लोन होगा तो बी का जो लोन अमाउंट है उसमें 90 रुपीज़ शो करेगा, बी के लोन अमाउंट में 90 रुपीज़ शो करेगा, और बी का ये जो अकाउंट था जो डिपॉजिट था उसमें वो 0 शो करेगा, 0 बैलेंस शो करेगा, क्यों, क्योंकि बी के अकाउंट से पैसा निकलकर जेड के अकाउंट में जा चुका है, तो यहां पर ये टोटल 100 जाएगा, यहां पर भी टोटल 100 जाएगा, इसका मतलब हुआ कि एक्सेस रिजर्व एक्स बैंक के पास 0 हो गई, तो एक्स बैंक के पास अगर एक्सेस रिजर्व 0 हो गए तो इसका मतलब बैंक एक्स की क्रेडिट क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है वो अब खत्म हो गई, अब बैंक किसी को लेंड नहीं कर सकता, अब एक्स बैंक किसी को लोन नहीं दे सकता, अनलेस और अनटिल बैंक एक्स के पास डिपॉजिट्स बढ़े, यानी कि या तो कोई और डिपॉजिट कराए अकाउंट में या ए अपने अकाउंट में और सेविंग्स करके डिपॉजिट कराएगा तो बैंक एक्स के पास एक्सेस रिजर्व बनेंगे, उनको वो फर्दर लेंड करेगा, ठीक है ना। तो बी अगर विड्रॉ कर लेता है 90 रुपीज पेमेंट के लिए तो बैंक एक्स की बैलेंस शीट ऐसे नजर आएगी। अब देखते हैं बैंक वाई की बैलेंस शीट कैसे नजर आएगी, लेट अस सी दैट। बैंक वाई की आफ्टर जेड हैज रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम व्हाट डू वी कॉल इट बी, ठीक है, इधर रिजर्व्स हैं, तो रिक्वायर्ड रिजर्व्स, एक्सेस रिजर्व्स, लोन, क्योंकि वाई हमने ये अज्यूम किया था कि वाई बैंक ने किसी को लैंड नहीं किया है तो लोन अकाउंट में इसके 0 है, जेड्स अकाउंट, अब जेड के अकाउंट में 200 रुपये तो पहले थे प्लस 90 रुपीज़ और हो जाएंगे, यानी कि जेड के अकाउंट में अब 290 रुपीज़ का टोटल बैलेंस शो करेगा, क्यों, क्योंकि बी ने जेड को पेमेंट की है, तो यहाँ रिक्वायर्ड रिजर्व 20 रुपीज़ तो पहले थे प्लस 9 रुपीज़ और हो जाएंगे, एक्सेस रिजर्व क्या होगा 180 पहले थे, एक तरीके से 180 पहले थे एक्सेस रिजर्व हमारे पास, अब 180 तो वो रहेंगे ही प्लस ये 90 रुपीज़ इधर आए हैं तो 81 रुपीज़ के और एक्सेस रिजर्व आ जाएंगे वाई बैंक के पास, तो अगर दोनों तरफ का टोटल, अब लोन इसके पास है ही नहीं, अब दोनों तरफ का टोटल अगर हम देखेंगे तो यहाँ का भी टोटल आएगा 290 रुपीज़ और यहाँ का भी टोटल आएगा 290 रुपीज़, यानी कि ये ट्रांजेक्शन होगी, इस तरह से बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, यानी कि अब वाई बैंक की क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी बढ़ गई, एक्स बैंक की क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी कम होगी, पर ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम जो है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही बैंक ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम के पार्ट है, तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी उतनी की उतनी है जितनी पहले थी, क्योंकि पहले क्या था, दो बैंक अलग अलग क्रेडिट क्रिएट करते, अब वो सिर्फ पावर सिर्फ किसी एक बैंक के पास ही रह गई है, क्योंकि दूसरे बैंक में एक्सेस रिजर्व 0 हो गए हैं, तो इस बैंक में से भी मान लीजिए कोई बोरो करता है और फर्दर वो किसी को लैंड कर किसी को पेमेंट करता है और ये यहाँ पर एक्सेस रिजर्व 0 हो जाएंगे, तो फिर इस बैंक की क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, फिर जो जिस दूसरे बैंक में वो पैसा ट्रांसफर होगा वो फिर उस बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसमें भी इसी तरह से ट्रांजैक्शंस में मैनिपुलेशंस या यू कैन से एडजस्टमेंट्स होंगी और वो बैलेंस शीट एडजस्ट करेगी एक दूसरे के साथ, बट ओवरऑल जो बैंकिंग सिस्टम है, जो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम है, जो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम है, उस ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में तो बैंक एक्स भी है प्लस बैंक वाई भी है, दोनों ही बैंक पार्ट है ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम का, तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी सेम रहेगी जितनी पहले थी वैसे ही, सिर्फ होगा ये कि एक बैंक से हटकर वो दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आशा रखता हूँ आपको मल्टीपल बैंक के केस में क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।